दोस्तों, हमारी धरती के नजदीक जो तारा है ना, वो हमारा सूर्य है। पर क्या आपको पता है कि सूर्य के बाद जो नजदीक तारा हमें पृथ्वी से दिखाई देता है ना, उसका नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। यह तारा हमारी धरती से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। मीन्स अगर आप लाइट की स्पीड से भी वहां जाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको 4 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए ना, तो यह दूरी ज्यादा नहीं लगती है, पर अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलें तो यहाँ पहुंचने में हमें हजारों साल लग जाएंगे। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुछ चंद्रमाओं को छोड़कर कहीं भी जीवन का अस्तित्व नहीं है। ऐसे में अगर इंसानों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी दूसरे ग्रह की जरूरत पड़ी, तो उसे किसी दूसरे स्टार सिस्टम में ही जाना पड़ेगा। आप लोगों ने वॉयेजर मिशन का नाम तो सुना ही होगा, जिसके तहत वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 यानों को नासा ने 1977 में लॉन्च किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वॉयेजर 1 यान पिछले 41 सालों से 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में सफर कर रहा है, और ये अब तक का सबसे दूर जाने वाला मानव निर्मित यान है। अगर इसी स्पीड से आज पृथ्वी से लॉन्च होता ना, तो करीब 6 घंटे में ही चांद पर पहुंच जाता। वॉयेजर 1 इस वक्त करीब 21 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, पर इतनी तेज स्पीड होने के बाद भी इस यान को प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में करीब 73,000 साल लग जाएंगे। दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंटोरी ना एक ऐसे स्टार सिस्टम से संबंध रखता है जिसमें 3 तारे हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के अलावा इस स्टार सिस्टम के 2 अन्य तारे हैं, अल्फा सेंटोरी ए तथा अल्फा सेंटोरी बी। दोनों अल्फा सेंटोरी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारे की तुलना में अधिक चमकीले हैं। दोस्तों, सन 2016 में वैज्ञानिकों ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास एक ऐसे ग्रह की खोज की जो हमारे सौरमंडल के बाहर खोजे गए ग्रहों में सबसे निकट है। सौरमंडल से बाहर के ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जा सकती हैं। इस ग्रह को प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी नाम दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस ग्रह पर पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे, ऊपर से इस मिशन को पूरा करने में इतने ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होगी ना कि पूरी पृथ्वी पर भी मौजूद ईंधन भी इसके लिए कम पड़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वर्तमान रॉकेट टेक्नोलॉजी के दम पर हम कभी प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए वैज्ञानिक फोटोन रॉकेट और आयन थ्रस्टर जैसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, ताकि हम एक ऐसा यान बना पाए जिसकी मदद से हम आसानी से अरबों किलोमीटर की यात्रा कर पाए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नासा के वैज्ञानिकों ने स्टीफन हॉकिंग के साथ मिलकर एक ऐसे अंतरिक्षयान की कल्पना की थी जो 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। अगर ऐसा होता है ना, तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी तक पहुंचने में सिर्फ 20 साल का समय लगेगा। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने इस प्रकार के अंतरिक्षयान की परिकल्पना सन 2016 में की थी। शुरू में कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों का एक दल इस परिकल्पना में उनके साथ जुड़ा था, लेकिन बाद में नासा ने भी उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। दोस्तों, अंतरिक्ष में 20 वर्ष की यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। इतनी लंबी यात्रा के दौरान अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष यात्रियों को कई सारे खतरनाक रेडिएशन जैसी परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया कि यान को अपनी मरम्मत स्वयं करने वाले सिलिकॉन चिप से बनाया जाए, ताकि इस खतरनाक रेडिएशन से यान और उसमें बैठे यात्रियों को बचाया जा सके। दोस्तों, इस अंतरिक्षयान को स्टारशिप नाम दिया गया। फिलहाल वैज्ञानिक इस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, इस मिशन के भविष्य को लेकर स्टीफन हॉकिंग को बहुत उम्मीदें थी। उनका कहना था कि हमारे और तारों के बीच में जो फ्री स्पेस है ना, वही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अब हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। हल्के अंतरिक्षयानों की मदद से हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी तक की अंतरिक्ष यात्रा को अंजाम दे सकते हैं और अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों की प्रकृति होती है उड़ना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें।